स्वागत है मित्रों यूफो किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं लीमा बीन्स विद ग्रेवी। तो लीमा बीन्स क्या होता है, ये राजमे की एक फैमिली का है और ये सफ़ेद रंग का होता है, ये तो वाइट कलर का राजमा समझ लें इसको, और उसको हम बनाने जा रहे हैं। ये ग्रेवी के साथ में बनाएंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ने इसको भिगो के रख लिया था रात भर, और उसके बाद अब इसको हम एक सीटी इस पर दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये 1.5 कप करीब है हमारे पास ये जो लीमा बीन्स हैं, उसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक अभी हम जब इसका ग्रेवी बनाएंगे तब फिर से डालेंगे। तो आधा चम्मच ये डाल दिए, और एक तेज पत्ता उसके अंदर मैं डाल देता हूँ, और इसके अंदर हम उतना पानी डालेंगे ताकि ये उसके अंदर डूब जाए। तो ये देखिए मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर पानी। बस ये जैसे डूब गया अंदर, अब इसको हम मिक्स कर लें, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और इसको अब हमें एक सीटी देते हैं, क्योंकि रात भर भीगी है इसलिए एक सीटी में ये हो जाएगी। अगर आपने रात भर नहीं भिगोया है तो आपको शायद ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब हम इसको चढ़ा देते हैं और एक सीटी इसकी देते हैं, क्योंकि रात भर हमने इसको भिगोया था तो एक सीटी में ये पक जाएगा। तो अब हम इसको मीडियम पे चढ़ा देते हैं, आराम से एक सीटी के लिए पकने देते हैं इसको। तो देखिए अब हमारे जब तक वो उधर जो हमारी लीमा बीन्स अभी प्रेशर कुकर में हो रही हैं एक सीटी के लिए, तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमने क्या किया, ये भगोना चढ़ा लिया है, और इसके अंदर हम ये सरसों का तेल डालते हैं। ये करीब 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल हम डालेंगे इसके अंदर, और अब इस तेल में भाप आने देते हैं और फिर हल्का सा ठंडा करके और फिर आगे बनाते हैं। ये देखिए इसमें से भाप निकलने लगी अब हमारे, तो अब इसको हम लो पे डाल के बस 1 मिनट के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर इसके अंदर हम आगे बनाते हैं इसको। देखिए हल्का सा ठंडा हो गया, इसके अंदर हम ये थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। ये देखिए हल्की सी हींग डाली, और इस लेवल पे आके मैं इसके अंदर ये एक मैंने हरी मिर्ची काट के ली हुई छोटी उसको डाल देता हूँ, और साथ में अब ये आधा चम्मच जीरा जो है उसको डाल देते हैं, उसको भी तड़क जाने देते हैं हल्का सा। ये देखिए जैसे ये तड़कने लगा, इसके अंदर अब हम ये एक प्याज हमने मीडियम साइज़ की ली थी उसको बारीक बारीक काट लिया था, उसको डाल के और इसके अंदर भूनते हैं उसको। जैसे ये प्याज को अच्छा गुलाबी होने तक भूनेंगे हम लोग। तो ये प्याज भून रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, और ये 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं, और साथ में ये 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इसको लेके हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में और पीस लेते हैं इसको। ये बढ़िया हम पीस लेते हैं इसको, टमाटर लहसुन अदरक फर्स्ट क्लास पीस गया ये, और अब इसको हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब ये हमारा प्याज भुन जाएगा तब। ये देखिए हमारी प्याज हो गई फर्स्ट क्लास। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस लेवल पे ये मैं हल्दी डाल देता हूँ इसके अंदर। ये देखिए हल्दी मैंने डाल दी, और हल्दी को बस मुश्किल से 10 सेकंड के लिए भूनता हूँ ये, और हल्दी पक गई। अब इसके अंदर हम वो जो हमने टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं। ये देखिए ये हमने इसमें पेस्ट बना लिया था, इसको डाल लेते हैं। और इसको पकाते हैं। ये देखिए इसको हमने टमाटर मिला के भूनना शुरू किया है, अब इसमें उबाल आने लगा। अब इस लेवल पे आके हम इसको एक मिनट के लिए मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं, ताकि ये जब तेल छोड़ने लगेगा तब तक इसको हमें पकाना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको ढक के पकने दिया है, और लगभग लगभग इसका पानी सूखने पर आ गया है। ये देखिए ये अब इसको हम चला चला के इसका जैसे ही ऑयल थोड़ा सा निकलने लगेगा तब तक इसको पकाते हैं। लगभग हम उस लेवल पे आ ही गए हैं जहाँ कि बस ये पानी हल्का सा सूखा, बस ऑयल आने लग जाएगा। अच्छा, आँच इसकी आप मीडियम से लो के बीच में रखिएगा अब, क्योंकि इसके बाद ये लग जाएगा नहीं तो। देखिए अब इसका ऑयल आने लग गया बाहर, और अब हम इस लेवल पर आके क्या करते हैं, इसके अंदर बाकी के मसाले डालते हैं। तो बाकी के मसालों में 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक ले लिया है, क्योंकि 1/2 चम्मच आपने देखा हमने जब उबाल रहे थे उसमें भी डाला था। ये 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच जीरा है, और करीबन 3/4 चम्मच लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, सिर्फ कलर के लिए काम आती है, इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता। तो इनको सबको हम इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए भून लेते हैं इसके साथ में, इसको बस 1 मिनट के लिए भूनेंगे हल्की आँच पर, ताकि ये मसाले सारे पक जाएँ। ये देखिए क्या बेहतरीन कलर आया मसाले का बनके, ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास भुना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये मैंने
थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लिए, वो डाल देता हूँ इसके अंदर। और ये है आधा चम्मच गरम मसाला, वो गरम मसाला भी इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमने खड़े मसाले कोई भी नहीं डाले हैं, इसलिए इस गरम मसाले को हम इसमें डाल रहे हैं। और इसको भी बस अब एक मिनट के लिए भूनते हैं, आँच एकदम मीडियम और लो के बीच में रखिएगा, एक मिनट के लिए भून लें ताकि ये पक जाए, और फिर इसके अंदर हम वो जो हमारी बीन्स उबल गई हैं उसको डालेंगे। अच्छा, इसको हम खोल लेते हैं, इसका देखिए स्टीम अपने आप रिलीज़ हो गया पूरा। अब इसको हम खोलते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट क्लास तैयार है हमारी बीन्स, ये देखिए फर्स्ट क्लास तैयार हो गई। अब इसको हम इस पानी के समेत में ही उसके अंदर जो मसाला हमने बनाया उसके अंदर डाल देते हैं इसको, देखिए। ये देखिए, और अब हम इसको इसकी आंच तेज करते हैं और थोड़ी देर इसको उबाल आने देते हैं, इसके अंदर पकने देते हैं इसको। अच्छा देखिए, इसमें से उबाल आने लग गया है। अब इसको हम मीडियम पे कर देते हैं इसकी आंच, और इसको 5 मिनट तक इस पर पकने देते हैं ताकि बीन्स के अंदर पूरे मसाले बैठ जाएं और इसका पानी भी थोड़ा सा कम हो जाए, तब तक हम इसको बनाते हैं। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, जब तक ये उबल रहा है और अभी इसके होने में टाइम है, तब तक हम इसमें आधा चम्मच शक्कर और डाल देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत कसैलापन कई बार मेथी होती कण आ जाता है तो वो बिल्कुल नहीं होगा और बढ़िया फर्स्ट क्लास ब्लेंड हो जाएगी सब्ज़ी पूरी। तो देखिए हमारा ये हो गया फर्स्ट क्लास, 5 मिनट तक हमने पकाया। आप 5 की जगह 7 मिनट भी पका लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास हो गया। अब ग्रेवी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप उसको उतनी देर पकाइएगा जितना जैसी ग्रेवी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं। और ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास बना है, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये फर्स्ट क्लास, ये देखिए। तो ये देखिए क्या बेहतरीन डिश आउट होकर आया है और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी है ये। तो फिर आप भी बनाएं और खिलाएं लीमा बीन्स ग्रेवी वाली, खाने वाले झूम के बोलेंगे तबीयत आपने मस्त कर डाली। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ में बहुत जल्दी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे।